बात करेंगे कि कौन सी एप्पल की ऐसी चुनिंदा वैरायटीज है जिसे आप विंटर्स में स्टोर कर सकते हो और बाद में उसे विंटर्स में अपने पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। तो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे कुछ एक चुनिंदा सेब है जो कि मेरे एप्पल ऑर्चर्ड के है, तो इससे रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कैसी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, आप ये देखिए, ये जो है ये एप्पल है ग्रैनी स्मिथ। तो एक इसकी हार्वेस्टिंग थोड़ी लेट होती है और जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है चलने की वो थोड़ी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू गोल्डन के। तो जो ये वाला है ये है गोल्डन, आप देखिए येलोइश हो जाता है ये विंटर्स में, आप देख सकते हो। ये हालांकि चलता तो ये भी विंटर्स में है पर इन कंपैरिजन टू ग्रैनी स्मिथ उतना नहीं चल पाता, इसकी स्किन खराब होना स्टार्ट हो जाती है विंटर्स में, पर हालांकि ये काफी ज्यादा टेस्टी होता है। अब ग्रैनी स्मिथ की आप स्किन देखिए एकदम वैसी है जैसे आफ्टर हार्वेस्टिंग होती है, आप देखिए। तो इसमें कोई भी अभी ऐसा कोई आपको दिख नहीं रहा होगा कि स्किन इसकी खराब है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी एज कम्पेयर टू गोल्डन की काफी बढ़िया है और ये हालांकि ये बहुत टेस्टी होता है। एक और मैं आपको वैरायटी बताता हूँ, ये देखिए ये रेड जो हमारी वैरायटी होती है एप्पल की उसका ये एक सैंपल है, आप देखिए। तो ये भी काफी देर तक चलने वाली वैरायटी है पर हालांकि इसका जो टेस्ट है वो कुछ हद तक खराब हो जाता है, पर मेरा इस बार नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको प्लास्टिक में बांध के फिर स्टोर कर दिया था किसी ठंडे प्लेस पे। तो आप ऐसा कर सकते हो अगर आपने ड्यूरेशन इंक्रीज करनी है किसी भी एप्पल फ्रूट की। तो मुझे जो बेस्ट क्वालिटी इसमें से लगी वो है ग्रैनी स्मिथ। ग्रैनी स्मिथ हालांकि इसमें विटामिन सी का कंटेंट ज्यादा है और शुगर का कंटेंट इसमें कम है, तो इसको शुगर फ्री भी बोलते हैं। तो यहां पे मैं बात करूंगा कि रेड सेब और ग्रीन सेब इन दोनों में फर्क क्या होता है। जो रेड सेब है जैसे कि ये है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, और जो ये ग्रैनी स्मिथ है ग्रीन सेब होता है इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और शुगर का कंटेंट इसमें ज्यादा होता है। ये हाई इन फाइबर और ये हाई इन एंटीऑक्सीडेंट। तो जिसको डायबिटीज है वो ये वाला सेब खाए और जिसको नहीं है तो ये वाला खा सकता है, ये देखिए। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे ग्रैनी स्मिथ। तो आप इसको ज्यादा ड्यूरेशन के लिए स्टोर कर सकते हो और फिर इसके हो सके तो आप इसका जैम भी बना सकते हो अगर आपको लगे, जैसे ये गोल्डन है तो अगर इसको ये खराब होना स्टार्ट हो जाए तो आप इसका जैम भी प्रिपेयर कर सकते हो। नहीं तो एक हम जो करते हैं इसको काट के धूप में सुखा लेते हैं तो वो भी एक टेस्टी एक ड्राई फ्रूट टाइप समझ लो आप हो जाता है। तो ये कुछ चुनिंदा वैरायटीज है जो मेरे एप्पल ऑर्चर्ड की है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है खाने में विंटर्स में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, धन्यवाद।